नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल सिंपल टिप्स श्रेया। आज मैं ऐसे 7 फूड आइटम्स के बारे में बताने वाली हूँ जो अगर आप रात भर अगर उसको आप भिगो के खाते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके हेल्थ के लिए। अगर आप उसे सूखा खाते हैं तो भी वो फायदेमंद होता है। क्यों होते हैं? क्योंकि वो जो मैं आप फूड आइटम्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बीज है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बीज को जब हम जमीन में गाड़ते हैं तो उसमें से पौधे निकलते हैं, उसी हिसाब से अगर आप बीज को जब पानी में भिगो के खाते हैं तो उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो मेरा ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के नीचे दिए गए बेल बटन को प्लीज़ क्लिक कर दीजिए। फर्स्ट होता है आलमंड। आलमंड मतलब बादाम। सबको पता है कि बादाम खाना हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बट अगर आप ओवरनाइट बादाम को सोक कर देंगे पानी में और फिर नेक्स्ट डे आप उसको खाते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि बादाम में भरपूर न्यूट्रिशन होते हैं। बादाम में डाइट्री फाइबर होते हैं, विटामिन होता है। बादाम में ओमेगा 6, ओमेगा 3 फैटी एसिड दोनों होते हैं। प्रोटीन की मात्रा बादाम में भरपूर होती है। बादाम हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, हमारी स्किन को डैमेज होने से बचाता है, साथ ही साथ हमारी स्किन में बहुत अच्छा ग्लो भी लाता है। अगर आप बादाम खाते हैं तो आपके ब्रेन फंक्शन को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बादाम आपके वेट लॉस में भी हेल्प करता है। बादाम आपके शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है तो उसे कम करने में हेल्प करता है और आपके शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है। बादाम के और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं। सेकेंड होता है वॉलनट, जिसे हम अखरोट के नाम से जानते हैं। अखरोट दिखता भी ब्रेन जैसा है और अगर आप अखरोट को खाते हैं तो आपके ब्रेन को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपके ब्रेन फंक्शन में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अखरोट में मोनोसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट होते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। फैट हालांकि शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, बट जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं और सैचुरेटेड फैट हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। वॉलनट डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वॉलनट अगर आप खाते हैं तो आपके शरीर को कैंसर से भी प्रिवेंट करता है। वॉलनट में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि आपके स्ट्रेस को मेंटेन करने में हेल्प करता है और आपको अच्छी नींद आती है अगर आप वॉलनट खाते हैं तो। वॉलनट आपके दांतों को और हड्डियों को मजबूत करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वॉलनट वेट लॉस करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ वॉलनट अगर आप खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, जो हमारे शरीर में HDL की मात्रा होती है उसको बढ़ाता है और जो LDL की मात्रा होती है उसको कम करता है। थर्ड होता है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स जिसे हम अलसी के बीज के नाम से जानते हैं। अलसी के बीज में भरपूर मात्रा में डाइट्री फाइबर होता है, साथ ही साथ उसमें ओमेगा 3 की मात्रा भरपूर होती है और प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है। इसीलिए अलसी के दाने अगर आप सुबह भिगो के खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होती हैं। साथ ही साथ अगर आप अलसी के बीज भिगो के खाते हैं मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक तो आपके ब्लड शुगर को, आपके ब्लड प्रेशर को और आपके कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में या मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ ये हमारे शरीर में कैंसर की जो परेशानी होती है उसके रिस्क को भी रिड्यूस कर देता है। जो भी वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए भी अलसी के बीज सुबह एम्प्टी स्टमक कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। फोर्थ होता है चिया सीड्स। बहुत से लोग बाग इसे तुलसी के बीज के नाम से भी जानते हैं, पर ये तुलसी के बीज नहीं होते हैं। चिया सीड्स में भी भरपूर मात्रा में हेल्थ न्यूट्रिशंस होते हैं, इसमें डाइट्री फाइबर होता है, प्रोटीन होता है। ये हमारे वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जिन लोग भी वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए ये रामबाण इलाज होता है। आप चिया सीड्स को भिगो के एम्प्टी स्टमक कंज्यूम कर सकते हैं, आप इसका स्मूदी बना कंज्यूम कर सकते हैं। आप कोई फ्रूट्स खा रहे हैं या फ्रूट सैलड बना रहे हैं या नॉर्मल सैलड बना रहे हैं
उसके साथ भी आप चिया सीड्स को मिला के कंज्यूम कर सकते हैं। चिया सीड्स अगर आप खाते हैं तो आपके ब्लड शुगर को मेंटेन करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को शरीर में बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। चिया सीड्स में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जिसकी वजह से किसी भी हार्ट प्रॉब्लम या हार्ट रिलेटेड कोई भी आपकी अगर इशू है उसके रिस्क को कम करता है। 5th होता है मेथी सीड्स। मेथी के दाने अगर आप रात भर भिगो के उसके दाने को और पानी को दोनों को अगर आप कंज्यूम करते हैं तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ जिनको भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। बहुत से लोग बाग मेथी के दाने भिगो के उसका पेस्ट बना के अपने हेयर्स में लगाते हैं, अगर आप इंटरनली उसको कंज्यूम करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। मेथी के दाने खाने से आपके कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मेथी के दाने आपके भूख को कम करने में हेल्प करता है, इसीलिए जो भी वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये आपके एपेटाइट को थोड़ा सा सप्रेस कर देते हैं जिससे आपको भूख कम लगती है और आपको ये वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। 6th होता है जीरा। जीरा क्यूमिन सीड्स। क्यूमिन सीड्स को भी अगर आप भिगो के क्यूमिन सीड्स और उसके पानी दोनों को अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन की परेशानी बिल्कुल भी नहीं होती है। साथ ही साथ अगर किसी को स्टमक रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी इशू रहता है उसको ट्रीट करने में भी जीरे का पानी या जीरा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हमारे शरीर में जब गैस की मात्रा बढ़ जाती है तो वात की मात्रा भी हमारे शरीर में बढ़ जाती है, और जब एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है। आप जीरा जो भिगोया हुआ होता है या उसका पानी अगर आप लेते हैं एम्प्टी स्टमक तो वात और पित्त दोष को रिड्यूस करने में हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और आपको किसी भी टाइप का स्टमक रिलेटेड कोई भी इशू या इन्फेक्शन नहीं होता है। आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन की परेशानी होती है तो कॉन्स्टिपेशन की परेशानी होने पे 100 बीमारियां और हो सकती है। सबसे पहला होता है कि आपको पिंपल हो सकते हैं। वेट लॉस भी अगर आप करना चाहते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट बहुत अच्छा होना चाहिए। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की परेशानी रहेगी वो वेट लॉस करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की परेशानी होती है तो वो हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी उनको हो सकता है, उनको ब्लॉकेज वगैरह आ सकते हैं, इसीलिए कॉन्स्टिपेशन बहुत बड़ा इशू है। जब तक कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होता आपके शरीर से तो आपको बहुत और भी अलग अलग बीमारी हो सकती है, तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने अपना एक पहले भी वीडियो बनाया था जिससे मैं जीरे के पानी रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसको मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, जो जीरे का पानी पीने से आप वेट लॉस कर सकते हैं, आपकी कॉन्स्टिपेशन बहुत जल्दी ठीक होती है, इसीलिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो भी वेट लॉस करना चाहते हैं या फिर जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह की परेशानी से परेशान है तो उनके लिए वो बहुत अच्छा वीडियो है। 7th होता है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स आप सबको पता है जो खड़ी मूंग दाल होती है, जो ग्रीन वाले फुल मूंग दाल होते हैं जिनको हम भिगो के रखते हैं 2-3 दिन और फिर उसको कपड़े में बांध के अच्छे से, और उसमें आप देख सकते हैं छोटे छोटे पौधे टाइप उग जाते हैं जो जर्मिनेट हो जाते हैं, वो अगर आप खाते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे हेल्थ के लिए। उसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशंस होते हैं और अगर आप उसको खाते हैं तो वो आप इजीली डाइजेस्ट कर पाएंगे। आपके ब्लड शुगर को कम करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ आपके शरीर में अगर किसी टाइप का हार्ट डिजीज रिलेटेड कोई रिस्क रहता है उसको रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, तो इसका ज़रूर आप ध्यान रखें। ये तो थे कुछ फूड आइटम्स जो आप अगर भिगो के एम्प्टी स्टमक कंज्यूम करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, इनमें 10 गुना ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो आप इस तरीके से इन फूड आइटम्स को कंज्यूम करिए। आप चाहें तो एक एक दिन एक एक करके फूड आइटम्स को कंज्यूम कर सकते हैं,
ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि अलग अलग फूड आइटम्स के अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, और अगर आप एक एक दिन करके इनको खाएंगे तो आपको हर तरीके का बेनिफिट मिलेगा, और वो ज़्यादा अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए कि सब टाइप को आपको बेनिफिशियल मिल जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।